गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी आज का जो वीडियो इसमें हम नर्वस सिस्टम से रिलेटेड एक टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है एक्शन पोटेंशियल इस टॉपिक को हम इन डिटेल देखने वाले हैं इस वीडियो में सो लेट्स लेट्स के स्टार्ट विद अ लेक्चर एंड स्टडी अबाउट एक्शन पोटेंशियल सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें हम यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जानने से पहले कुछ बेसिक चीजों को जान लेते हैं एक चीज होती है जिनको बोला जाता है आयन चैनल आयन चैनल्स क्या होते हैं आयन चैनल्स नाम से पता चले चैनल है चैनल यानी किसी चीज को पास करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे अब यहां पर जो नर्वस सिस्टम होता है उसके पास सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स तो इस तरीके से यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है ये होता है न्यूरॉन का बेसिक स्ट्रक्चर ये जो न्यूरॉन होती है इसके पास भी क्या है सेल है तो ऑब्वियस सी बात है प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी तो इसके पास यहाँ पर प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ये चैनल्स प्रेजेंट होते हैं और ये चैनल्स आयंस को पास करते हैं इधर से उधर तो यहाँ पर इस तरीके से ये चैनल प्रेजेंट है चैनल से आयंस को लाया भी जाता है सेल के अंदर और सेल से बाहर भेजा भी जाता है अब आयन चैनल है वो अलग अलग तरीके के होते हैं जैसे कि एक आयन चैनल होता है जिसको हम बोलते हैं लीकी चानल. लीकी चैनल चैनल नाम से भी पता चल रहा है कि ये कैसा होगा लीक करेगा जैसे अगर हमारे घर का नल होता है वो लीक करता है तो ये भी क्या करेगा लीक करेगा तो यहां पर ये इसका मतलब क्या होता है कि रैंडमली ओपन होगा रैंडमली क्लोज होगा कोई इसका है नहीं कि ऐसे पर्टिकुलर टाइम पे ओपन होगा या फिर क्लोज होगा तो ये रैंडमली ओपन और क्लोज होगा तो यहाँ पर अगर हम देखें एक तो होता है स्पेसिफिक चैनल जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम चैनल जिसमें से कौन मूव करेगा जिसमें से पोटेशियम आना जाना करेगा और दूसरा यहाँ पर होता है सोडियम चैनल जिससे सोडियम आएगा और जाएगा तो इस तरीके से यहाँ पर हम जो हम देखने वाले हैं इस टॉपिक में उसमें लीकी चैनल के दो चैनल्स हम देखने वाले हैं नेक्स्ट अगर हम यहां पर आए तो नेक्स्ट यहाँ पर लीकी चैनल के बाद होता है वोल्टेज केटेड चैनल वोल्टेज केटेड चैनल का मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि गेट है जो कि वोल्टेज की वजह से ओपन होगा या फिर क्लोज होगा इसमें जो ये गेट होगा वो सिर्फ तभी ओपन होगा जब इसको पर्टिकुलर वोल्टेज मिलेगी नहीं तो फिर क्लोज फॉर्म में रहेगा जैसे कि अभी ये क्लोज है लेकिन अगर हमने इसको पर्टिकुलर वोल्टेज दी तो ये क्या हो जाएगा ये उस कंडीशन में ओपन हो जाएगा और जब ये ओपन होगा तब ये आयंस का ट्रांसपोर्ट करेगा बाहर से अंदर या फिर अंदर से बाहर डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन टू कंडीशन अगर हम यहाँ पे थर्ड देखें तो थर्ड यहाँ पर होता है मकैनिकल गेटेड चैनल मकैनिकल गेटेड चैनल ये एक ऐसा चैनल है जो कि फोर्स से ओपन होगा यहां पर ये एक ऐसा चैनल होता है जो फोर्स से ओपन होता है या फिर प्रेशर से ओपन होता है इस कंडीशंस में ये ओपन होगा मकैनिकल गेटेड चैनल तो अगर हम यहाँ पर देखिए ये कब ओपन होगा जब समझो आपने टच किया तो या फिर कोई प्रेशर आया तो इस कंडीशन में ये ओपन होगा तो वंस अगेन यहाँ पर नॉर्मली क्लोज कंडीशन में रहेगा लेकिन ओपन कब हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल अगर हमने इसको टच किया तो फिर ओपन हो जाएगा या फिर कोई प्रेशर आया तो फिर ये ओपन हो जाएगा या फिर टिश्यू स्ट्रेच हुआ तो ये ओपन हो जाएगा इन सभी कंडीशन में ओपन हो जाएगा या फिर जब वाइब्रेशन हुआ तब ओपन हो जाएगा जैसे कि हमारे जो कान होते हैं उसमें ऐसे चैनल प्रेजेंट होते हैं तो क्योंकि कान में वाइब्रेशन आते हैं साउंड की वाइब्रेशन आती है उस वजह से ये ओपन होता है अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट चैनल देखें तो नेक्स्ट यहाँ पे होता है लाइकेंड गेटेड चैनल लाइकेंड गेटेड चैनल नाम से मुझे क्या पता चल रहा है कि जब कोई लाइकेंड आएगा तब ये चैनल ओपन हो जाएंगे तो यहाँ पर समझो कोई लाइकेंड आया समझो मैंने यहां पर कहा कि एसिटाइल कोलिन नाम का एक मॉलिक्यूल है लाइकेंड है वो आके बाइंड हो गया तो उस कंडीशन में ओपन हो गया और यहां पर चीजों को पास करने गया फॉर एग्जाम्पल इसने पोटेशियम को पास कर दिया, दिया। यहां पर भी ओपन हो गया तो फॉर एग्जाम्पल इसने सोडियम को पास कर दिया तो ऐसे स्पेसिफिक होते हैं अलग अलग टाइप के चैनल्स आयन चैनल्स जो कि स्पेसिफिक स्पेसिफिक काम करना प्रेफर करते हैं तो और ये सब कहाँ प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं अब यहां पर हम एक चीज जानते हैं सबसे पहले उसको हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज रेस्टिंग मेंब्रेन पोटेंशियल नाम से ही पता चल रहा है रेस्ट करते टाइम का कोई तो पोटेंशियल है अगर हम यहां पर देखिए जो नर्वस टिश्यू होगा जब रेस्ट कंडीशन में होगा यानी कि उसके पास अभी कोई मैसेज नहीं है वो रेस्टिंग कंडीशन में उस, उस पे जो वोल्टेज होता है उसको हम ये कहते हैं कहने का क्या मतलब है अगर मैं यहाँ पर जो सेल है समझो इस तरीके से यहाँ पर ये न्यूरॉन का एक्सॉन है ये मैंने क्या ले लिया न्यूरॉन के एक्सॉन को ले लिया तो न्यूरॉन के जो एक्सॉन के अगर मैं मेम्ब्रेन देखूँ तो मेम्ब्रेन के बाहर जनरली क्या प्रेजेंट होता है बाहर की तरफ इसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा कंपेरिटिवली अंदर की तरफ अंदर की तरफ क्या होगा ज्यादा नेगेटिवली चार्ज प्रेजेंट होगा तो बाहर ज्यादा पॉजिटिव है अंदर ज्यादा नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है चार्जेस का तो अगर यहाँ पर डिफरेंस आएगा चार्जेस का तो इसको हम क्या बोल सकते हैं फॉर्म करेगा पोटेंशियल एनर्जी को ये क्या फॉर्म करेगा ये पोटेंशियल एनर्जी को फॉर्म करेगा जिसको हम वोल्ट्स के उसमें नाप सकते हैं जिसको हम किस फॉर्म में नाप सकते हैं वो वोल्ट्स के उसमें हम नाप सकते हैं वोल्ट्स या फिर मिली वोल्स तो इस तरीके से यहां पर ये यह सेपरेशन होता है चार्जेस का अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सेपरेशन ऑफ चार्जेस किस बेसिस पे कैसे यहां पर अंदर के अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज है अंदर यानी कि किसकी तरफ साइटोप्लाज्म की तरफ नेगेटिव चार्ज है वहीं जो बाहर है यानी कि एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूड सेल के बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है इसके रीजन क्या है तो अगर हम यहां पर देखें यहां पर इसके रीजंस काफी हो सकते हैं कि ऐसा क्यों देखा जाता है सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो यहां पर अनईक्वल अन पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है अगर मैं यहाँ पर देखूँ सेल के बाहर सोडियम का अमाउंट ज्यादा होता है मतलब पोटेशियम का अमाउंट ज्यादा होता है अब आपके मन में तो यह आया होगा ना कि ठीक है सेल के बाहर सोडियम का अमाउंट ज्यादा है सेल के अंदर पोटेशियम का अमाउंट ज्यादा है तो सोर्टेड है फिर तो इक्वल होना चाहिए था चार्ज अगर ऐसी कंडीशन है तो ऑब्वियसली बात है चार्ज इक्वल होना चाहिए था लेकिन यहां पर क्या होता है यहां पर एक और चीज भी आ जाती है यहाँ पर ये यह जो मेम्ब्रेन है इसपे ज्यादा अमाउंट में पोटेशियम लीकी चैनल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें क्या है ये पोटेशियम लीकी चैनल्स ज्यादा प्रेजेंट है और आप देख सकते हो अगर पोटेशियम सेल के अंदर की तरफ ज्यादा है तो वो ऑब्वियसली बात है सेल के अंदर से बाहर जाएगा जब सेल के अंदर से बाहर जाता है यानी कि हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे जाता है तो हम इसको बोल सकते हैं कि डाउन दी कॉन्सेंट्रेशन मूव कर रहा है तो पोटेशियम का अमाउंट अगर अंदर ज्यादा है और बाहर कम है तो ऑब्वियस सी बात है क्या करेगा अंदर से बाहर जाएगा तो ये क्या कर रहे हैं पॉजिटिविटी बाहर लेकर जा रहा है ऐसा नहीं है कि मेमब्रेन पे सोडियम का चैनल नहीं होता मेमब्रेन पे सोडियम का भी लीकी चैनल प्रेजेंट होते हैं लेकिन इनके जो नंबर है वो कम होते हैं कंपैरेटिवली पोटेशियम के तो इसके थ्रू भी सोडियम बेशक अंदर आ रहा है लेकिन इसके जो नंबर होंगे वो लेस होगा एज कंपेयर टू इसके नंबर यहाँ पर ये यह मोर होते हैं तो सबसे पहला तो यहाँ पर रीजन क्या हो गया कि अनईक्वल पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है सबसे पहला तो यहाँ पर ये यह रीजन हो गया नेक्स्ट अगर हम यहां पर देखें नेक्स्ट जो होता है नेक्स्ट यहां पर होता है इनएबिलिटी इन एबिलिटी ऑफ एनायंस टू मूव ऑफ एनायंस टू मूव एनायस मतलब शायद आप समझते हो क्या होता है जिनके पास नेगेटिवली चार्ज प्रेजेंट होता है अगर हम फिर से यहाँ पर बोलूँ कि इस तरीके से सेल प्रेजेंट है तो सेल के बाहर यहाँ पे क्लोराइड प्रेजेंट है ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सेल के बाहर क्लोराइड का अमाउंट ज्यादा प्रेजेंट होता है वहीं अगर हम यहाँ पर देखें सेल के अंदर किसका अमाउंट ज्यादा होता है सेल के अंदर होता है फॉस्फेट का अमाउंट ज्यादा उसी के साथ साथ सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं जिनके पास भी क्या प्रेजेंट होता है नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है अब यहाँ पर ये दोनों तो ज्यादा अमाउंट में तो है ही है उसके अलावा ये क्या है बंधे हुए यानी कि ये जो फॉस्फेट है आपको ए के साथ मिलता है तो एटीपी तो सेल के बाहर मूव करेगा नहीं ना ऐसे ही अगर पोटेशियम जा रहा है तो ये नहीं बोलेगा कि ठीक है मैं भी चला जाता हूँ पोटेशियम जा रहा है तो ये बड़ा मॉलिक्यूल है सिमिलरली अमाइनो एसिड्स पे किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन्स के साथ बाउंड फॉर्म में होते हैं तो ये भी मूव नहीं कर सकते बाहर तो यहां पर ये क्या हो रहा है इनेबल है बाहर जाने के पोटेशियम को फॉलो नहीं कर सकते तो ये अंदर ही रहेंगे अंदर ही रहेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा अंदर नेगेटिविटी और आएगी थर्ड रीजन यहां पर होता है कि यहां पर क्या प्रेजेंट होता है यहां पर एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप सोडियम पोटेशियम पंप यहां पर किस तरीके से एक्ट करता है जैसे कि अगर मैंने बोला वन सेग ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर इस तरीके से यहां पर प्रेजेंट है सोडियम पोटेशियम पंप सोडियम पोटेशियम पंप का काम क्या होता है तीन सोडियम को बाहर भेजना और दो पोटैशियम को अंदर लाना अब आप शायद आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि मैम पोटाशियम तो अंदर ज्यादा होता है तो आप पोटाशियम को बाहर से अंदर कैसे ला सकते हो पोटेशियम बाहर कम होता है और अंदर ज्यादा होता है फिर भी आपने कैसे अंदर लाया सिमिलरली सोडियम का अमाउंट अगर हम यहां पर देखें सोडियम का अमाउंट सेल के अंदर कम होता है और सेल के बाहर ज्यादा होता है तो हम किस तरीके से उसको मूव करवा पा रहे हैं हाउ इज इट पॉसिबल इसके लिए हम क्या खर्च करेंगे इसके लिए हम ए खर्च करते हैं ए को यूज करते हैं और ए को यूज करके यहाँ पर ये जो पूरा पाथवे किया जाता है तो सोडियम पोटासियम का तो यहाँ पर बेसिकली कितने रीजन है तीन रीजन्स यहाँ पे होते हैं सबसे पहले अनईक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है एनायंस का भी कैटायंस का भी दूसरी चीज है जो एनायंस है वो मूव नहीं कर पाते सेल के बाहर जा नहीं पा रहे हैं वो वो बंधे हुए हैं और तीसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि सोडियम पोटाशियम पंप है जो कि अनईक्वली ट्रांसपोर्ट करा आप देख सकते हो तीन सोडियम बाहर जा रहे हैं अगर तीन सोडियम अंदर से बाहर जा रहे हैं और सिर्फ दो पोटाशियम बाहर से अंदर आ रहे हैं तो ये अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है अनईक्वल यहाँ पे ट्रांसपोर्ट चल तो ये सभी कुछ रीजंस है जिसकी वजह से जो न्यूरॉन है उसका जो साइटोप्लाज्म होगा वो नेगेटिवली चार्ज होता है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरफ नेगेटिवली चार्ज होती है अब यहाँ पे प्रश्न ये आता है कि जो ये रेस्टिंग मेंब्रेन पोटेंशियल है वो होता कितना है अगर हम देखें रेस्टिंग मेंब्रेन पोटेंशियल होता है यहां पर माइनस सेवेंटी मिली माइनस सेवेंटी मिली आपको क्या बता रहा है कि नेगेटिव चार्ज किस तरफ है नेगेटिव चार्ज मेम्ब्रेन के इनसाइड की तरफ प्रेजेंट है यानी कि इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन जो है साइटोप्लाज्म तरफ की जो मेम्ब्रेन है वो कैसी है वो नेगेटिव है एज कंपेयर टू बाहर वाली जो साइड है मेम्ब्रेन की उससे तो इस तरीके से यहां पर ये रीजन ये सब अभी हम कब देख रहे हैं जब रेस्टिंग कंडीशन है जब यहाँ पे कोई मैसेज नहीं आया कोई स्टिमुलस नहीं आया उस सभी कंडीशन में यहाँ पर ऐसी चीजें चल रही हैं अब यहाँ पर हम बात करते हैं एक्शन पोटेंशियल के टाइम पे क्या होता है तो लेट्स टॉक अबाउट एक्शन पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल पे जो ये हमारा रेस्टिंग पोटेंशियल है इसको पूरा चेंज कर दिया जाता है किस तरीके से कहानी चलती है आइए हम देखते हैं एक्शन पोटेंशियल जो है वो मेनली दो फेसेस में होता है सबसे पहला अगर हम यहाँ पर देखें तो एक फेस होता है डीपोलेराइजेशन फेस और दूसरा फेस अगर हम यहाँ पर देखें तो वो होता है रीपोलेराइजेशन फेस किस तरीके से चलता है एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं अगर हम नॉर्मली रेस्टिंग मेम्ब्रेन कंडीशन में देखें तो मेम्ब्रेन कैसी थी मेम्ब्रेन यहां पर नेगेटिव थी अंदर की तरफ तो वह बाहर से पॉजिटिव थी तो मैं क्या कह सकती हूँ पोलराइज्ड थी अब मैं उसको डीपोलराइज्ड करूंगी डी में हम क्या करते हैं अंदर की तरफ जो अभी माइनस सेवेंटी मिली वोल्ट था उसको हम जीरो मिली वोल्ट पे लेकर जाते हैं जीरो मिली वोल्ट से प्लस थर्टी मिली वोल्ट पे लेकर जाते हैं यानी कि हम उसके चार्ज को नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज कर रहे हैं इसका मतलब है कि हम उसको डीपोलेराइज कर रहे हैं अब किस तरीके से यहाँ पर ये सब चलता है हम इसको समझने की कोशिश करते हैं यहां पर ये जो है चलेगा कैसे ये सब चलेगा एक्सॉन के इधर तो सबसे पहले हम इस तरीके से क्या ड्रॉ कर लेते हैं समझे ये है हमारे पास इस तरीके से एक्सॉन प्रेजेंट है एक्सॉन पे यहां पर क्या होगा एक्सॉन पे यहाँ पर, पर स्टिम्यूलाय आएगा स्टिम्यूलाय जो है वो पहले से आएगा सेल बॉडी के पास आएगा जो पहले का स्टार्टिंग का स्ट्रक्चर होता है उसके पास यहां पर यह स्टिम्यूलाय आएगा फिर ये स्टिम्यूलाय किसके पास जाएगा एक्सॉन के पास ये जो एक्सॉन के पास अभी आएगा तो सबसे पहले यहां पर ये क्या करेगा सबसे पहले यहां पर वोल्टेज केटेड सोडियम चैनल को ओपन करेगा कौन से चैनल है ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को सबसे पहले ओपन किया जाएगा अब ये जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है ना इनके पास भी दो गेट प्रेजेंट होते हैं ऐसा नहीं है इनके पास एक गेट है इनके पास दो गेट प्रेजेंट होते एक तो यहाँ पर इस तरीके का गेट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन गेट एक इसको बोला जाता है क्या एक्टिवेशन गेट और दूसरा गेट यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं इन एक्टिवेशन गेट इसको बोला जाता है इन एक्टिवेशन गेट अगर मैं यहां पर देखू अभी सब नॉर्मल था नॉर्मल था यानी कि समझो अभी तक कोई स्टिम्यूला नहीं आया सब ठीक है तो इस कंडीशन में ऐसे फॉर्म में प्रेजेंट होता है ये वाली कंडीशन को हम क्या बोल सकते हैं रेस्टिंग कंडीशन हम इसको बोल सकते हैं रेस्टिंग कंडीशन में आप ये देख सकते हो कि इन एक्टिवेशन गेट जो है वो ओपन रहता है और एक्टिवेशन गेट क्या रहता है क्लोज रहता है इस तरीके से यहाँ पर रहता है अब इसके ऊपर क्या हुआ इसके ऊपर यहाँ पर स्टिम्यूलाय आया है जब इसके ऊपर स्टिम्यूलाय आएगा तो ये जो एक्टिवेशन गेट है ये भी इस तरीके से ओपन हो जाएगा इन एक्टिवेशन गेट तो पहले से ही ओपन था यहां पर एक्टिवेशन गेट भी ओपन हो जाएगा अब एक्टिवेशन गेट ओपन होने की वजह से जो सोडियम है वो बाहर से फट फट फट, -फट, 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 -फट करके अंदर आना शुरू हो जाएगा सोडियम फट -फट, -फट, फट फट अंदर आएगा क्योंकि एक्टिवेशन गेट ने ही इसके आने को रोक रखा था जैसे यहां पर ये भी खुल गया तो यहां पर क्या होगा फटाफट फटा फटाफट फटाफट सोडियम जो है वो अंदर आने लग जाएंगे सोडियम फटाफट 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 अंदर आने लग गए तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अभी कंडीशन कितनी थी माइनस सेवेंटी मिली वोल्ट थी लेकिन अब यहां पर माइनस सेवेंटी मिली वोल्ट से किस कंडीशन में चला जाएगा जीरो मिली वोल्ट पे चला जाएगा और जीरो मिली वोल्ट से किस पे आ जाएगा प्लस थर्टी मिली वोल्ट पे आ जाएगा ये जो कंडीशन है जब यहां पे प्लस थर्टी मिली वोल्ट पे आ गया तो मैं इसको क्या बोलूंगी कि यहां पर क्या हो चुका है एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो चुका है किसकी वजह से क्योंकि यहां पर जो सोडियम है वो फट 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 करके अंदर आ रहे हैं अब एक बार जब इतना ज्यादा यहां पर एक्शन पोटेंशियल हो जाएगा उसकी वजह से यहां पर क्या होगा उसकी वजह से यहाँ पर इनएक्टिवेशन गेट जो है वो क्लोज हो जाएगा यहां पर इस तरीके से इनएक्टिवेशन गेट क्लोज हो गया एक्टिवेशन गेट अभी भी ओपन है आप देख सकते हैं यहां पर कौन क्लोज हो चुका है इनएक्टिवेशन गेट जो है वो क्लोज हो चुका है अब आप बताइए अगर इनएक्टिवेशन गेट क्लोज हो जाएगा तो क्या यहाँ पर सोडियम अंदर आ पाएंगे जी नहीं तो यहां पर क्या नहीं हो पाएगा यहां पर सोडियम अब अंदर नहीं आ पाएगा सोडियम जो है वो बाहर ही फंस जाएगा सोडियम अब अंदर नहीं आ पाएगा ए ये जो ये जो कंडीशन है इसको यहां पर बोला जाता है इनएक्टिवेशन स्टेट ये वाली स्टेट कौन सी होगी इनएक्टिवेशन स्टेट है क्योंकि यहां पर इनएक्टिवेशन हो चुका है गेट जो है वो क्लोज हो चुका है इस कंडीशन पे अंदर इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी हो चुकी है कि अब यहाँ पर कुछ और ओपन होगा अब यहां पर कौन ओपन हो जाता है अब यहां पर वोल्टेज केटेड पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएंगे अगर यहां पर वोल्टेज केटेड पोटेशियम चैनल इस दौरान ओपन हो गए तो यहां पर क्या होगा इसकी वजह से पोटेशियम जो है अंदर से बाहर जाएगा पोटासियम अंदर से बाहर क्यों जाएगा बात है पोटेशियम का जो अमाउंट है वो अंदर ज्यादा है यानी कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म ज्यादा है बाहर कम एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूड में कम है तो इसलिए अंदर से बाहर जाता है अब आप देख सकते हैं कि पॉजिटिविटी बाहर 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 जाए जा रही है जाये जा रही है जाए जा रही है, है इसकी वजह से वन सेकेंड क्या जाएगा? आ जाएगा माइनस सेवेंटी मिली वोट आ जाएगा बट यहां पर ये यह जो होते हैं ये ओपन रहते हैं ओपन रहते हैं ओपन रहते हैं इसकी वजह से माइनस सेवेंटी मिली वोल्ट से कहां तक कंडीशन पहुंच जाती है माइनस मिलीवोल्ट मिली वोल्ट तक भी पहुंच जाती है अगर यहां पर कंडीशन मैंने बोला कि क्या हो गया माइनस सेवेंटी मिली वोल्ट पे आ गई तो माइनस सेवेंटी मिली वोल्ट पे क्यों क्योंकि पोटेशियम जो है वो क्या कर रहे थे बाहर जा रहे थे इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं रीपोलेराइजेशन स्टेट बोलते हैं रीपोलेराइजेशन स्टेट मैंने इसको क्यों बोला है क्योंकि लिए वंस अगेन हम मेम्ब्रेन को पोलेराइज कर रहे हैं जो यहाँ पे वो ओरिजिनली थी लेकिन वो धीरे 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 कहाँ पे पहुंच गए माइनस नाइनटी मिली वोल्ट पे पहुंच गए तो मैं इसको क्या बोलूंगी कि वो हाइपर हो चुकी है हाइपर स्टेट में जा चुकी है अब एक बार अगर हम यहां पर देखेंगे उसी डायग्राम को अगर हम कंटिन्यू करें तो यहां पर जब माइनस नाइनटी मिली वोल्ट पे पहुंच जाएगी इस समय पर क्या हो जाएगा इस समय पर यहां पर जो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल थे वो वन सेकेंड क्लोज हो जाएंगे यहां पर क्या हो जाएगा वोल्टेज गेटेड पोटैशियम चैनल जो है वो भी यहां पर क्या होने लग जाएंगे क्लोज होने लग जाएंगे उसी के साथ साथ यहां पर जो ये सोडियम का चैनल था इधर भी क्या होगा इधर जो इनएक्टिवेशन डोर था वो ओपन हो जाएगा यहाँ पर ये जो इनएक्टिवेशन डोर है ये ओपन हो जाएगा ये ओपन हो जाएगा और यहां पर जो प्यारा सा एक्टिवेशन गेट था वो क्लोज हो जाएगा वन सेकेंड एक्टिवेशन जो गेट था वो क्लोज हो जाएगा वन सेकेंड तो ये स्थिति यहाँ पर कब आएगी जब वापिस आप रेस्टिंग कंडीशन में जाओगे वापस आप कौन सी कंडीशन में जाओगे रेस्टिंग कंडीशन में जाओगे अब यहाँ पर माइनस मिलीवोल्ट मिली वोल्ट से फिर से कहाँ पे आएगा माइनस सेवेंटी मिली वोल्ट पे आएगा माइनस से माइनस सेवेंटी मिली वोल्ट पे कैसे आएगा जब यहां पर पोटेशियम चैनल क्लोज हो जाएंगे तो धीरे 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 अपने आप ही वो कंडीशन आ जाएगी कि माइनस सेवेंटी मिली वोल्ट पे आ जाएगा तो इस तरीके से यहाँ पर कहानी चलती है एक और बात जब यहाँ पर वोल्टेज केटेड चैनल ओपन हो रहे थे और जब वोल्टेज से यहाँ पर पोटेशियम जो है वो बाहर जा रहा था उसी दौरान ही यहाँ पर क्या हो जाएगा इनएक्टिवेशन गेट ओपन हो जाता है सोडियम का और यहाँ पर जो वोल्टेज केटेड सोडियम चैनल का जो एक्टिवेशन गेट है वो यहाँ पर क्या हो जाता है क्लोज हो जाता है वो यहाँ पर इस तरीके से क्लोज हो जाए ये किसका है ये एक्टिवेशन गेट जब ओपन हो चुका है सॉरी इन एक्टिवेशन गेट जब ओपन हो चुका है एक्टिवेशन गेट क्लोज हो चुका तो इस तरीके से यहां पर ये यह चलता है तो यहां पर मैंने आपको कहा था दो तरीके से कहानी चलती है सबसे पहले यहाँ पर डीपोलराइजेशन फेज आता है डीपोलराइजेशन फेज में अगर हम यहां पर देखें तो यहाँ पर कौन ओपन होता यहाँ sodium channel open है यहां पर सोडियम चैनल ओपन होते हैं कौन से वाले जो कि वोल्टेज गेटेड है इसकी वजह से यहाँ पर सोडियम जो है वो सेल के अंदर आता है सोडियम सेल के अंदर आ रहा है तो कहानी कहाँ से जाती है माइनस सेवेंटी मिली वोल्ट से पहुंच जाती है प्लस थर्टी मिली वोल्ट इस कंडीशन को हम बोलते हैं कि क्या हो गया एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया एक बार एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया है, तो अब यहाँ पर सोडियम गेटेड चैनल बंद हो जाएंगे और अब यहाँ पर क्या होगा जिसकी वजह से यहाँ पर जो पोटेशियम है वो सेल के बाहर बाहर जाता जाएगा और प्लस थर्टी मिली वोल्ट से माइनस सेवेंटी मिली वोल्ट पे हम वंस अगेन आ जाएंगे अब माइनस सेवेंटी मिली वोल्ट से भी ये होता है, सकता है कि माइनस नाइनटी मिली वोल्ट तक पहुंच जाए इसका रीजन क्या है कि पोटेशियम चैनल स्टिल ओपन है लेकिन एक बार अगर पोटेशियम चैनल क्लोज हो जाएंगे तो वापस से यहां पर कहानी यहीं पर आ जाएगी अब अगर हम इसके बाद देखें तो इसके बाद एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं थ्रेश होल्ड स्टिम्यूलिस ऐसा नहीं है कि हर बार स्टिम्यूलिस आएगा तो यहां पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा ये कंपलसरी नहीं है यहाँ पर एक चीज होती है थ्रेश होल्ड पो, थ्रेश होल्ड पोटेंशियल कहने का क्या मतलब है कहने का मतलब यही है कि अगर यहां पर एक स्टिम्युलस जो है वो इतना स्ट्रांग है कि वो जो है मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को रिड्यूस कर सकता है कितना प्लस सॉरी माइनस 55 मिलीवोल्ट तक माइनस सेवेंटी मिली मिलीवोल्ट से माइनस फिफ्टी फाइव मिली तक कर सकता है। इसी कंडीशन में यहां पर आगे जाके एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा अगर इतना नहीं आया समझो यहां पर माइनस सिक्सटी मिली तक की हो पाया समझो यहां पर माइनस सिक्सटी फाइव मिली तक की हो पाया इस कंडीशन में यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा तो थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस होना चाहिए यानी कि एक स्टिम्युलस इतना स्ट्रांगर होना चाहिए कि वो इतने पोटेश इतने सोडियम चैनल्स को ओपन कर दे कि यहां पर माइनस फिफ्टी फाइव मिली वोट तक पोटेंशियल पहुंच सके इसलिए यहां पर जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है नर्वस सिस्टम में उसको हम ऑल और, और नन वाला प्रिंसिपल कहते हैं या तो पूरी तरीके से जनरेट होगा या फिर बिल्कुल भी जनरेट नहीं होगा एज सिंपल एज दैट या तो फिर कंप्लीटली अकर होगा कंप्लीटली अकर कब होगा जब यहां पर माइनस फिफ्टी फाइव मिलीफोट तक ओपन हो चुके है इतने सोडियम अंदर आ चुके हैं वही यहां पर बिल्कुल भी नहीं होगा या तो यहाँ पे डस्ट नॉट अकर होगा कि मतलब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक पहुंची ही नहीं बात इस तरीके से यहाँ पर ये होता है इसलिए यहाँ पे ऑल और नन का होता है अगर हम अच्छे से समझने की कोशिश करें तो हम इस तरीके से ग्राफ के बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं समझो यहाँ पर क्या है यहां पर माइनस सेवेंटी मिली वोल्ट यहाँ पर है जीरो यहाँ पर माइनस फिफ्टी फाइव और यहां पर है प्लस थर्टी मिली वोल्ट ये यहां पर क्या है मिली वोल्ट है इस तरीके से यहाँ पर है दूसरी तरफ हम यहाँ पे देख रहे हैं स्टिम्यूलाई तो देखो यहां पर समझे इस तरीके से कोई स्टिम्युलाई आया अगर स्टिम्युलाई समझो इतना ही आया तो इस कंडीशन में जनरेट नहीं होगा इस कंडीशन में यहां पर ऐसे ही डिक्रीज हो जाएगा इस कंडीशन में यहाँ पे कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा कोई एक्शन पोटेंशियल क्यों जनरेट हुआ क्योंकि थ्रेश स्टिमुलस था ही नहीं अगर एक स्टिमुलस होगा थ्रेश यानी कि वो इसको पार कर सकता है तभी यहाँ पर जो है जनरेट होगा एक्शन पोटेंशियल नहीं तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा तो अगर हम यहाँ पर एक बार फिर से देख लें तो यहां पर क्या है यहां पर ये यह जो ब्लैक कलर वाले हैं वो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है सबसे पहले एक्टिवेशन गेट क्लोज था इन एक्टिवेशन गेट ओपन था यहां पर आया एक्टिवेशन गेट भी ओपन हो गया और यहां पर इन एक्टिवेशन गेट तो ओपन था इसको ओपन स्टेट कहते हैं सोडियम अंदर अंदर आता गया प्लस थर्टी मिलीवोल्ट तक यहां पर पोटेंशियल पहुंच गया फिर इन एक्टिवेशन गेट जो है वो क्लोज हो गया जिसको हम इन एक्टिवेट स्टेट कहेंगे उसके उसी के दौरान पोटेशियम चैनल ओपन हो गया जिससे पोटेशियम बाहर जा रहे माइनस नाइनटी मिली

कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल प्रेजेंट है किस कंडीशन में मेम्ब्रेन पोटेंशियल मिली वोल्ट में तो इस तरीके से मेम्ब्रेन पोटेंशियल है मिली वोल्ट में वहीं जो एक्स एक्सिस है उसमें टाइम प्रेजेंट है मिली सेकेंड्स में टाइम किस में चल रहा है मिली सेकेंड्स में चल रहा है सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें सबसे पहले जो कहानी है वो किस पे रहती है माइनस सेवेंटी पे रहती है माइनस सेवेंटी तक ही चलेगी यहाँ पर सबसे पहले हमें थ्रेशोल्ड पोटेंशियल लेकर आना पड़ेगा जो कि माइनस फिफ्टी फाइव तक होना चाहिए तभी यहाँ पर आगे जनरेट हो पाएगा नहीं तो नहीं हो पाएगा एक बार यहां पर यह जनरेट हो गया तो फिर धीरे 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 जो है ऊपर 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 जाता रहता है कहां तक जाएगा प्लस थर्टी मिलीवोल्ट तक जाएगा जिसको हम बोलेंगे कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया एक बार यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है फिर ये क्या जाएगा डाउनवर्ड जाएगा डाउनवर्ड जाएगा कहां तक जाएगा माइनस नाइनटी मिली वोट तक जाएगा इस कंडीशन में हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी वन सेकेंड कहां पहुंच जाएगा रेस्टिंग कंडीशन में पहुंच जाएगा तो अगर हम यहां पर सबसे पहले समझने की कोशिश करें ये वाला जो है इसको हम क्या बोलते हैं इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं थ्रेश होल्ड यहां तक आएगा तभी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा नहीं तो नहीं होगा इसके नीचे वाली कंडीशन को हम बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल ये वाली जो कंडीशन होती है इसको हम बोलते हैं डीपोलेन डीपोलराइजेशन के टाइम पे क्या हो रहा है जो सोडियम चैनल है वो ओपन हो रहे हैं फिर यहाँ पर पोटेशियम चैनल ओपन हो रहे हैं जिसको हम बोलते हैं रीपोलराइजेशन लेकिन यहाँ पर क्या होगा ज्यादा ही ओपन होगा ज्यादा ही आ रहा है अंदर तो क्या हो जाएगा हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा वंस अगेन क्या हो जाएगा वंस अगेन सारी क्लोज कंडीशन हो जाएगी यहां पर क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा पोटेशियम जो है वो क्लोज हो जाएगा और रेस्टिंग कंडीशन में आ जाएगा बाकी की चीजें सोडियम जो है वो रेस्टिंग कंडीशन में आ गया तो इसको हम क्या बोलेंगे कि वो वापस से क्या हो गया रेस्टिंग पोटेंशियल की कंडीशन में आ गया ये वाली जो कंडीशन है इसको हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो एक और चीज आती है जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड रिफ्रेक्टरी पीरियड क्या होता है रिफ्रेक्टरी पीरियड एक टाइम होता है जब समझो अभी एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है उसके बाद का ये एक, एक, एक ऐसा टाइम होता है जिसमें अगला एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो सकता है समझो अभी अभी एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ था अब इसके बाद एक ऐसा स्पेसिफिक ड्यूरेशन जिसमें सेकेंड एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो सकता कब अगर नॉर्मल स्टिम्यूलाय आए तो वो जनरेट नहीं हो पाएगा ऐसी कंडीशन को रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं यहाँ पर अगर हम देखें रिफ्रैक्टरी पीरियड जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी रिफ्रैक्टरी पीरियड पीरियड और एक होता है रिलेटिव रिफ्र, दोनों में फर्क क्या है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड में अगर आपने एक स्ट्रॉन्ग स्टिम्यूलाई भी दिया तो भी यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा एक एक्शन पोटेंशियल के बाद की वो रिलेट स्पेसिफिक टाइम में इसका रीजन क्या होता है इसका रीजन ये है कि जो अभी सोडियम चैनल है वो इनएक्टिवेशन स्टेट में इनएक्टिवेशन स्टेट का मतलब क्या है कि उसका जो इनएक्टिवेशन गेट है वो तो बंद है उसका एक्टिवेशन गेट ओपन है तो अगर उसका इनएक्टिवेशन गेट क्लोज्ड होगा इस कंडीशन में भले ही स्ट्रॉन्ग स्टिम्यूलाई भी आ जाए यहाँ पर कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होने वाला वही रिलेटिव रिफ्रेक्टरी पीरियड कौन सा होता है एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें अगर आपने स्ट्रॉन्ग स्टिम्यूलाई दिया उसी कंडीशन में यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट हो जाएगा इसमें तो होगा ही नहीं इसमें जनरेट होगा अगर आपने स्ट्रॉन्ग स्टेम्यूलाई दिया नॉर्मल स्टेम्युलाई में तो कुछ भी नहीं होने वाला रिलेटिव रिफ्रेक्टरी पीरियड कब होता है जब यहाँ पर हमारा जो सोडियम चैनल है वो भले ही कौन सी कंडीशन में आ चुका है वो भले ही यहां पर आ चुका है नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल यानी कि रेस्टिंग कंडीशन में अब रेस्टिंग कंडीशन में कब आता है जब यहाँ पर जो इनएक्टिवेशन गेट है वो तो हो चुका है ओपन कौन सा गेट हो चुका है इनएक्टिवेशन गेट ओपन हो चुका है एक्टिवेशन गेट जो है वो क्लोज चुका है ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं ऐसी कंडीशन को यहां पर स्पेसिफिकली बोला जाता है रेस्टिंग स्टेट तो ये आ चुका है रेस्टिंग स्टेट में लेकिन अभी यहां पर स्टिल पोटेशियम चैनल ओपन है तो यहां पर अगर पोटेशियम चैनल स्टिल ओपन है और यहां पर भले सोडियम चैनल रेस्टिंग स्टेट में आ गया है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रेक्टरी पीरियड जिसमें सिर्फ स्ट्रॉन्ग स्टिम्य आएगा तभी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा वहीं पहले वाले में एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टरी पीरियड में तो होगा ही नहीं स्ट्रांग स्टिम्युलाय आने पर भी जनरेट क्योंकि लिए यहां पर इनएक्टिवेशन स्टेट में है सोडियम चैनल तो ये यह यहाँ पर डिफरेंस होता है दोनों के बीच में दोनों ही पार्ट होता है रिफ्रेक्टरी पीरियड अब तो अगर हम यहाँ पर आगे देखिए तो यहाँ पर दो तरीके के कंडक्शन चलते हैं नर्व नर्वस सिस्टम में एक होता है सॉल्टेटरी कंडक्शन और एक होता है कंटिन्यूस कंडक्शन दोनों ही कंडक्शन में क्या फर्क होता है हम ये देखते हैं अगर हम एक नर्वस सिस्टम को देखें तो उसका जो एक्सॉन होता है वो दो तरीके का हो सकता है एक हो सकता है कि वो इस तरीके से प्रेजेंट है और दूसरा हो सकता है कि उसके पास माइनी शीत प्रेजेंट है जो कि उसके जो ये एक्सॉन की मेमरीन है उसको कवर करके रखती है

अब यहां पर एक्सॉन को वन बाय वन सोडियम चैनल ओपन करने होते हैं और वन बाय वन इसको क्या करना पड़ेगा ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा पहले ये सोडियम चैनल ओपन होगा यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा फिर यहां पे होगा फिर यहां पे होगा फिर यहां पे होगा फिर यहां पे होगा इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं कंटिन्यूअस बोलते हैं इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं कंटिन्यूस चल रहे एक एक करके इसको सोडियम चैनल ओपन करने पड़ रहे हैं एक एक करके यहाँ पर ही चल रहा है वहीं अगर हम सोल्ट टेट्री में देखें तो सोल्ट टेट्री में यहाँ पर जो सोडियम चैनल्स होते हैं वो अनईक्वली अन डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं कहने का क्या मतलब है जैसे कि हम जो इस तरीके से प्रेजेंट है यहाँ पर प्रेजेंट है माइनीशियत यहाँ पर भी इस तरीके से प्रेजेंट है माइनीशियत फिर यहाँ पर फिर से यहाँ पर क्या प्रेजेंट है माइनीशियत प्रेजेंट है इस वजह से यहाँ पर जो ये सोडियम चैनल्स होते हैं पोटेशियम चैनल्स होते हैं वो सिर्फ बीच बीच में प्रेजेंट होते हैं जिन रीजन में ये प्रेजेंट होते हैं इनको बोलते हैं नोट्स ऑफ रैनवीर जहां पर क्या नहीं है जहां पे माइली शीत प्रेजेंट नहीं है तो सिर्फ इसी रीजन में आपको मिलेंगे यहाँ पे सोडियम चैनल्स या पोटेशियम चैनल्स। तो यहां पर एक तरीके से आप देख सकते हो कि जंप जंप होके ट्रांसमिशन चल रहा है वहीं यहां पर कंटिन्यूस आपको ट्रांसमिशन करना पड़ रहा है कंटिन्यूस ट्रांसमिशन चल रहा है यहाँ पे फट 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 जंप, जंप होके ट्रांसमिशन चल रहा है तो ये डिफरेंस होता है कंटिन्यूअस एंड सॉल्टेटरी कंडक्शन में यहाँ पर ये मेनली डिफरेंस होता है इसलिए यहाँ पर जो इसकी स्पीड है वो स्लो होगी क्योंकि धीरे 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 ट्रांसमिट कर रहा है वहीं इसकी जो स्पीड होगी वो काफी फास्ट होगी क्योंकि फट फट फट, -फट ट्रांसमिशन चल रहा है यहाँ पर ये अगर मैं बोलू ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलता है तो ये वन मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलता है यानी कि काफी फास्ट होता है सॉल्टेटरी माइली शीत होने की वजह से और इस तरीके से यहाँ पर ये जंप जंप करके फ्लो होगा मैसेज ले भाई इसमें जो स्लोली 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 एक एक करके एक एक करके मैसेज का जो है ट्रांसमिशन चलता है अगर हम नॉर्मली देखें किस तरीके से ट्रांसमिशन होता है समझे इस तरीके से हमारे पास ये एक है, इस तरीके से यहां पर बहुत सारे प्रेजेंट है सोडियम चैनल इस तरीके से बहुत सारे सोडियम चैनल प्रेजेंट है तो समझे यहां से क्या हुआ यहां से सोडियम चैनल इस तरीके से अंदर आने लग गए थे तो यहां पे कौन सा चार्ज आ गया पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहां पर क्या प्रेजेंट है नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है पर आगे की तरफ अगर हम यहाँ पे देखें तो सोडियम चैनल अभी खुले नहीं है तो यहाँ पे सोडियम बाहर ही ज्यादा है और अंदर नेगेटिव है तो इस तरीके से यहाँ पर एक एक करके क्या होगा मैसेज जो है वो आगे आगे ट्रांसफर होता जाएगा और एक एक करके सोडियम चैनल ओपन होते जाएंगे और आगे 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 जो है एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता जाएगा इस तरीके से यहाँ पे कंडक्शन चलता है अगर हम यहाँ पे फैक्टर्स देखें जो कि अफेक्ट करते हैं इसकी स्पीड को कि किस कि, कितनी स्पीड से यहाँ पे ट्रांसफर होता है तो सबसे पहला तो हो गया माइलीनेशन अगर हम यहाँ पर देखिए जितना ज्यादा माइलीनेशन होगा उतनी ही स्पीड ज्यादा होगी दूसरा अगर हम यहाँ पर रीजन देखें तो एक्सॉन का डायामीटर होता है यानी कि एक्सॉन कितना बड़ा है इतना बड़ा एक्सॉन है इतना है उसकी डायामीटर कितनी है उस पर डिपेंड करता है अगर हम यहाँ पर देखें जितना लार्जर डायामीटर होगा उतना ही फास्टर ट्रांसफर होगा जितना लार्ज डायामीटर है उतना ही यहां पर क्या होगा फास्टर ट्रांसमिशन होगा फास्टर यहाँ पर क्या होगा ट्रांसमिशन होगा. होगा? होगा वही जो तीसरी चीज है जो रिस्पॉन्सिबल होती है वो होती है टेम्परेचर एक्सॉन का यहां पर टेम्परेचर कितना अगर मैं आपको यहां पर बताऊं अगर लोअर स्पीड होगी अगर टेम्परेचर जो है वो कूल cool है तो यहां पर क्या होगा स्पीड जो है वो लो होगी अगर कब कंडीशन है कूल कंडीशन प्रेजेंट है यानी कि ठंडी है यहाँ पे तो यहाँ पर आप एक बार देख सकते हो ये वाला जो ट्रांसमिशन है सबसे पहला वाला है कंटिन्यूसली और दूसरा वाला जो है वो है सोल्टेट्री अगर आप देखो कंटिन्यूअस में एक मिली सेकेंड पे शुरुआत हुई फिर फाइव मिली सेकेंड पे थोड़ा आ गया टेन मिली सेकेंड्स पे थोड़ा आ गया वहीं सोल्टेट्री वाले में आप देख सकते हो पहले ही यहाँ पर है फाइव मिली सेकेंड्स में ये यहाँ पे पहुंच गया टेन मिली सेकेंड में ही यहाँ पे पहुंच गया इसका रीजन क्या है कि यहाँ पर जो चैनल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे प्रेजेंट है नोट्स ऑफ रैनवीर में प्रेजेंट